तो दोस्तों एल्विश यादव की एक्स गर्लफ्रेंड कीर्ति मेहरा का आखिर क्या रिप्लाई आया है, क्या बयान आया है यूके राइडर 07 यानी कि अनुराग डोभाल के लिए। और यही नहीं बल्कि इस समय अनुराग का गेम जो है भाई ऐसा नजर आ रहा है कि खुद अनुराग भी नहीं समझ पा रहे हैं कि बिग बॉस के घर में उनका गेम है क्या। और इस समय उनको लेकर जो मीम्स बन रहे हैं, उनके फेस पे जो जोकर का इमोजी लगाया जा रहा है बार बार, वो बहुत ही अलग लेवल का दिख रहा है। और इवन अभिषेक मल्लान भी उस वैसे रील्स को लाइक कर चुके हैं, शेयर कर चुके हैं। और कहीं ना कहीं अनुराग जो है इस समय जेन्युइनली ऐसा लग रहा है, जनता तो ये कह रही है कि खुद को उस इमोजी की तरह बिल्कुल प्रूफ कर रहे हैं। लेकिन आखिर क्या कहा है कीर्ति मेहरा ने उनके गेम पर और जो ट्रोलिंग हो रही है यूके राइडर 07 की यानी कि अनुराग डोभाल की, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांडो। आपको बता दें कि इस समय अनुराग डोभाल का ये जो गेम है, मतलब अनुराग लोगों को भड़का रहे हैं, बेसिकली दो लोगों के बीच में जाके आग लगाना और उसके बाद उनको लड़वाना, ये काम अनुराग डोभाल का है। अगर यही अनुराग डोभाल का गेम बिग बॉस के घर में थ्रू आउट रहा तो पूरे सीजन का सबसे गंदा गेम अनुराग डोभाल का ही होगा, क्योंकि अनुराग अभी तक फिगर आउट नहीं कर पाए हैं कि वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। और जो दम वाले कमरे में वो रह रहे हैं वहां पर भी लोग उनकी सुनने को तैयार नहीं है। सना, अरुण, तहलका, सबका ये मानना है कि अनुराग जो है उनके खिलाफ है या फिर अनुराग डबल गेम खेल रहे हैं। और हाल फिलहाल कीर्ति मेहरा जो है उन्होंने अभी एक हाल ब्रॉडकास्ट में जवाब दिया है जब उनसे पूछा गया कि बिग बॉस 17 में आपको विनर कौन लगता है। इसके बाद उन्होंने क्लियरली एक बात कही, मुनव्वर और उसके बाद यूके राइडर। लेकिन यूके राइडर को लोग बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं, तो मेरा उस पर ये कहना है कि वो बंदा अभी गेम समझ रहा है, काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ड है, इस वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि उसको ट्रोल ना करें, क्योंकि अभी तक गेम उसने समझा नहीं है, ना वो कभी इस तरीके के माहौल में रहा है, तो अभी तक वो गेम समझने की कोशिश कर रहा है, एनालाइज करने की कोशिश कर रहा है। और अगर ऐसे मोमेंट पे आप उसको ट्रोल करने लग जाओगे तो फिर शायद हो सकता है कि वो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, क्या कुछ है कहना है इस बारे में, आपको हमें ज़रूर बताएगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।